एक तरफ लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है, तो वहीं पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है कि और राफेल मामले पर सनसनीखेज खुलासा करने का दावा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी के अनुकंपा पर रिलायंस ग्रुप के लिए फ्रांस सरकार से 143 मिलियन यूरो की टैक्स लायबिलिटी माफ की गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि 526 करोड़ का जहाज 16 करोड़ में खरीदा गया। अंबानी की ग्लोबल कंपनी बरमूडा स्थित रिलायंस अंटार्कटिका फ्लैग पर 151 मिलियन डॉलर की टैक्स की देनदारी आ जाने के बाद पीएम ने इस कंपनी से डील की। इसके बदले में फ्रांस ने इस कंपनी का लगभग सारा टैक्स वेब ऑफ कर दिया है। गौरतलब है कि फ्रांस ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली एक फ्रांसीसी कंपनी से 143.7 मिलियन यूरो की कुल बकाया राशि टैक्स वसूली को कैंसिल कर दिया था, और यह भी तब किया जब फरवरी और अक्टूबर 2015 के बीच में भारत और फ्रांस 36 लड़ाकू विमानों की बिक्री को लेकर के बातचीत कर रहे थे। यह खबर फ्रांस की पत्रिका लामोद ने की है। क्या एक ही चौकीदार चोर है और अब उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई? ये कुछ बातें हैं जो अब जग जाहिर है, और पांच टाइमलाइंस बड़ी महत्वपूर्ण है इस सारे रफेल घोटाले में। 23 मार्च 2015 को मोदी जी के मित्र डबल ए पेरिस जाकर रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के एडवाइजर और दूसरे अधिकारियों से मिलते। तब तक आपको पता है कि 128 रफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी एचएएल के पास। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।